बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई गलत जानकारियां सामने आईं। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक वीडियो की, जिसे ये कहकर शेयर किया गया कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में शामिल होने पर इस शख्स को मार दिया गया। ऑल्ट न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि इस घटना का पूजा से कोई लेना देना नहीं है। मामला 6 महीने से भी पुराना है। बांग्लादेश के ढाका में जमीन विवाद की वजह से इस शख्स की हत्या कर दी गई थी। बाद में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। अब बात एक ऐसी तस्वीर की, जिसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल से जोड़ा गया। कहा गया कि वहां नमाज का समय लिखा है और उस वक्त हिंदुओं को पूजा न करने के लिए कहा गया। कई लोगों ने यह तस्वीर इसी दावे के साथ शेयर की। मालूम चला कि यह तस्वीर बांग्लादेश के उत्तरा सार्वजनिक पूजा समिति की है। एक फेसबुक लाइव वीडियो में दिख रहे पंडाल और वायरल तस्वीर में दिख रहे पंडाल में कई समानताएं देखी गई। एक बांग्लादेशी सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि उत्तरा सार्वजनिक पूजा समिति ने नमाज के दौरान संगीत बजने से रोकने के लिए यह बोर्ड लगाया था। और आखिर में बात एक वीडियो की, जिसमें पूजा पंडाल में तोड़फोड़ होते हुए देखी जा सकती है। इस वीडियो को यह कहकर खूब शेयर किया गया कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडाल को तहस नहस कर दिया, जबकि यह वीडियो भी बांग्लादेश का है। बीबीसी, TV9 भारतवर्ष और आज तक ने बांग्लादेश में हुई हिंसा के कई वीडियोस दिखाए। इसमें यह क्लिप भी शामिल थी। बांग्लादेश के कुछ यूजर्स ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि यह घटना नोआखली के चाउ मुहानी में बने एक पूजा पंडाल की थी।